और अब बात हरियाणा की विधानसभा चुनाव की छिड़ी है तो विपक्ष का गठबंधन अपने आप में एक सस्पेंस बना है। चुनाव की तारीख धीरे धीरे करीब जरूर आ रही है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हुआ कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कोई गठबंधन होगा भी या फिर नहीं। हाँ, बीच में ये खबर जरूर आए कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कोई गठबंधन नहीं होगा। और अब हरियाणा में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कड़े तेवर दिखाए हैं। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी प्रदेश की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। यानी देखा जाए तो एक तरीके से उन्होंने साफ कर दिया कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी को कमजोर समझने की गलती ना की जाए। हालांकि ये धमकी उनकी विरोधी पार्टी बीजेपी को कम और कांग्रेस के लिए ज्यादा नजर आई। आम आदमी पार्टी एक मजबूत पार्टी है, हमारे संयम को कोई हमारी कमजोरी समझने की गलती ना करे। हमारा इंडिया अलायंस का पार्टनर है और उम्मीद करते हैं कि वो अलायंस सही तरीके से, रिस्पेक्टेबल तरीके से आगे बढ़े। परंतु आम आदमी पार्टी हर स्थिति के अंदर एक मजबूत विकल्प के रूप में हरियाणा में उभरी है। दरअसल हरियाणा चुनाव को लेकर के बातचीत करते हुए आम आदमी पार्टी हरियाणा अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा कि वो 90 सीटों पर पूरी तैयारी कर रहे हैं और गांव गांव तक उनकी पहुंच बन गई है। एक तरीके से वो ये कहना चाह रहे थे कि उनको कांग्रेस के साथ की जरूरत नहीं है। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से ये जरूर साफ किया जा रहा है कि कांग्रेस के गठबंधन पर आम आदमी पार्टी की बात जरूर चल रही है। आरजू भी है, हसरत भी है, उम्मीद भी। देरी नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया राघव जी, इसका फायदा भी नहीं। देखिए अभी तो आखिरी तारीख नॉमिनेशन की 12 तारीख है, 12 तारीख से पहले फैसला ले लेंगे और अगर मन नहीं मिले या अगर विन विन सिचुएशन नहीं हुआ तो फिर छोड़ देंगे। तो 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी अकेले। अभी देखिए मैं अभी कोई इस प्रकार के मैं बयान नहीं देना चाहता। बातचीत चल रही है, बातचीत सकारात्मक वातावरण में चल रही है, अच्छी चर्चा हो रही है और मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है, मुझे उम्मीद है कि ज़रूर कुछ अच्छा निष्कर्ष इन बातचीत से, चर्चा से हरियाणा के हित में, देश के हित में, लोकतंत्र के हित में निकले। लेकिन इन तमाम बातचीत के बीच अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन होगा या फिर नहीं। इस बारे में ना आम आदमी पार्टी अपने पत्ते खोल रही है और ना ही कांग्रेस की तरफ से कोई बात साफ तौर पर कही जा रही है। हरियाणा में पूरी तरीके से बदलाव की आंधी है। आप पार्टी और हमारा शीर्ष नेतृत्व तो आपस में बात कर रहा है और हम लोग कोशिश में हैं कि एक दूसरे से सहमति बने। बदलाव की आंधी हरियाणा में है, कांग्रेस पूरी तरीके से आ रही है।